हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आलू और टमाटर की रस वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत कम समय में और बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने इसके लिए 5-6 आलू पहले से उबाल के रख लिया था और 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का टमाटर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले से एक में मिक्स करके पीस लिया है। इसमें क्या होता है कि जितना हम लोग लहसुन लेते हैं उतना ही अदरक लेके आप इसको पीस के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं टमाटर की प्यूरी बनाऊंगी और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और हरी मिर्च के 2 टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्यूरी बना के रख लिया है। तो चलिए अब कुकर को गैस पे चढ़ाते हैं। मेरा कुकर गर्म हो चुका है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। उसके बाद मैं तेज़पत्ता और जीरा डाल दूंगी। उसके बाद हरी मिर्च को डाल के हमें 1-2-3 सेकंड तक हल्का चलाना है इसे। उसके बाद मैं इसमें प्याज को ऐड कर दूंगी। प्याज को हमें 2-3 मिनट तक भूनना है। प्याज डालने के बाद मैं उसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी और फिर मैं प्याज को अच्छे से मिक्स कर लूंगी नमक के साथ। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही हल्का रेड करना है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट पीस के रखी थी उसको डाल दूंगी। उसके बाद सारे सूखे मसाले हम प्याज के अंदर डाल देंगे। और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 सेकंड तक चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढक्कन लगा के 2-3 मिनट तक भूनेंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे आपस में काफ़ी घुल मिल गए हैं। तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूंगी और फिर मैं इसे ढक्कन लगाकर गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके 3-4 या 5 मिनट तक फ्राई करूंगी, जब तक हमारे मसालों से तेल सेपरेट नहीं होने लगता तब तक। और बीच बीच में चलाते रहना है वरना मसाले हमारे नीचे से पकड़ लेंगे। अगर लगे कि मसाला नीचे से सूख रहा है तो हम लोग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 1 या 2 चम्मच पानी डाल करके इसे पकने का टाइम देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसालों से बिल्कुल तेल सेपरेट हो चुकी है। तो अब हम इसमें आलू को डालेंगे। आलू को हमें काट के नहीं तोड़ के डालना है। इस तरीके से हम इसे तोड़ेंगे और मसाले के अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे आलू को तोड़ तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, मसाले के अंदर। देखिए इस तरीके से, इसे काट के नहीं डालना है।
उसके बाद मैं सारे आलू को मसालों आलू को डाल के फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। फिर इसमें मैं आधा कप पानी डाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम हाई कर देना है और एक चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर इसमें मैं ऐड करूंगी। उसके बाद इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम हाई रख के एक उबाल आने देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में उबाल आ चुका है। सब्जी हमारे बनके रेडी हो चुके हैं, तो आइए हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, ये सब्जी जितनी स्वादिष्ट दिख रही है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे पूड़ी के साथ, पुलाव के साथ, चावल के साथ या रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।